नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे विद इन 30 डेज अपना पार्ट ए प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि विद इन 21 डेज आप कैसे अपना जो सेकेंड पार्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और आप क्योंकि असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो आपकी मेनली जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, आपकी पेडागोजी हो गई और आपका जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है, मेनली ये तीन मेजर पार्ट होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपके 100 के 100 मार्क्स इन्हीं में से आने होते हैं और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपने आप में वेटेज ले रखा है, तो इसलिए इसको टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ के उन्हीं से आप 70 तक स्कोर कर सकते हैं, 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं सेक्शन बी में, पार्ट बी में। तो यहाँ पर मैं जिन जिन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपके पास कम टाइम है पढ़ाई के लिए, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। इसके अलावा अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसके अलावा भी और भी कई थ्योरीज होती हैं जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेवेंट हो, उनको आप पढ़ सकते हैं। सपोज़ करिए सोशल डेवलपमेंट की, मैंने यहाँ पे तीन थ्योरीज आपको बता रखी कि इन की थ्योरीज पढ़ लीजिए, लेकिन इसके अलावा और भी थ्योरीज पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम मेनली यहाँ पर तीन हिस्सों में इस पूरे जो हमारी स्ट्रेटजी होगी उसको तीन हिस्सों में बांट के देखेंगे। पहला हम चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे प्रिपेयर करेंगे, दूसरा हम पेडागोजी कैसे प्रिपेयर करेंगे और तीसरा हम एजुकेशन का जो पार्ट होता है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट किए कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो 14 डेज में आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, जो पेडागोजी का पार्ट है वो आप 3 से 4 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी जो आपका एजुकेशन का पार्ट है वो आप 3 दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है और सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी है, लेकिन वो भी कोई छोटा सा नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी भी, तो उसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाइल्ड साइकोलॉजी पर देना पड़ेगा। बाकी एजुकेशन का जो पार्ट है वो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें आपको रटनी होती हैं, पढ़नी होती है, बार बार उनको पढ़िए रटिए। साइकोलॉजी पूरी आपको समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे सारी, जो किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या थ्योरीज दी आपको सब पता होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है ये हमें कैसे प्रिपेयर करना है। चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे पहले आपको डेवलपमेंटल थ्योरीज़ पढ़नी पड़ेंगी। डेवलपमेंटल थ्योरीज़ वो थ्योरीज़ होती हैं जो कि ये बताती हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। अब डेवलपमेंट के भी कई एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हर एस्पेक्ट्स में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज़ दी हैं। तो यहाँ पे मैं जिन जिन की थ्योरीज़ बता रहा हूँ ये मोस्ट ऑफ़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, इनको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिए, अदरवाइज़ यू विल बी इन लॉस। तो सबसे पहली जो थ्योरीज़ आपको पढ़नी है वो पढ़नी है वाइगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट है, सोशल डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले वाइगोत्स्की जी का ही नाम लिया जाता है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर आती है एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरीज होती हैं जिसमें कि उन्होंने 7-8 स्टेजेस बता रखे हैं कि इस स्टेज में बच्चे में ये होता है, इसमें इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंपेयर करके बता रखा है। तो इस तरीके से आपको एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरीज भी पढ़नी है, ब्रोन फेन ब्रेनर की इकोलॉजी थ्योरी पढ़नी है जो कि पूरी की पूरी उनकी इन्वायरमेंट कैसे बच्चे को इफ़ेक्ट करता है ना, सबसे जैसे स्कूल, उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी, इसके बारे में थ्योरीज बता रखी हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ये हमें पढ़नी कहाँ से हैं, कहाँ मिलेंगी, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस पार्ट के लास्ट में बताऊँगा। लेकिन अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बच्चे के कॉग्निटिव यानी कि मेंटल एक्टिविटी, बच्चा मेंटल थिंकिंग, मेंटल
डिसीजन जो होते हैं वो कैसे लेता है, वो कैसे उसका प्रोसेस डेवलप होता है। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, सबसे फेमस पियाजे का नाम पहले नंबर एक पे आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में। फिर ब्रूनर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वाइगोस्की की भी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये सब भी आपको पढ़नी है। फिर आते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी पे कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसमें जीन पियाजे की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और चोमस्की की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। फिर आता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में आप कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ लीजिए और पियाजे की थ्योरी पढ़ लीजिए। मेजर यही दो, इन्हीं की दो की थ्योरीज हैं। कोलबर्ग की थ्योरीज तो आपने देखी होगी, तीन पार्ट्स में उन्होंने बांट रखा है। और को पियाजे की भी थ्योरी अगर आपने पढ़ी तो उसमें उन्होंने हेट्रोनोमस ऑटोनोमस इस टाइप से बता रखा है, बच्चे में मोरल डेवलपमेंट होता है। तो इन थ्योरीज़ को आप पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो डेवलपमेंट थ्योरीज़ में आपको मेनली लगभग आप देख लीजिए तीन ये छः और दो चार, लगभग 10 थ्योरीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़नी है लर्निंग थ्योरीज़। लर्निंग थ्योरीज़ है जैसे इसमें बच्चा सीखता कैसे किसी भी चीज़ को, तो उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दे रखी है, जैसे कि ट्रायल एंड एरर ये दे रखा है थॉर्नडाइक ने। फिर होता है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि बच्चा लर्निंग का ट्रांसफ़र कैसे करता है, मतलब जैसे अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो, या बाइक चलाना सीख रहा है तो कैसे वो कार चलाने में हेल्प करती है, इस टाइप से उस थ्योरीज़ बता रखी है थॉर्नडाइक ने। क्लासिकल कंडीशनिंग आप सभी ने अगर पढ़ी हो, अगर आपने डाइट वगैरह कर रखी हो रेगुलर, या कभी एग्ज़ाम दिया हो तो थ्योरीज़ आपने पढ़ी होंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पेवलोव ने दी थी, और फिर स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज दी थी। इन्होंने कुछ एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया था, पेवलोव ने कुत्ते पे किया था, डॉग पे, और स्किनर ने चूहे पे और कबूतर पे किया था। अगर आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगी थ्योरीज ये। फिर अगला आ जाता है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय कोहलर, और इन्होंने चिंपैंजी पर की थी, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। फिर आता है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग आती है, कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल। देखिए कोल्ब लर्निंग स्टाइल पर क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, 16/17 पोस्ट कोड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें क्वेश्चन आया था कोल्ब लर्निंग स्टाइल से, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे मेजर हमें दो डिवीज़न कर रहा हूँ, टाइप थ्योरी होती है, ट्रेड थ्योरी होती है। टाइप थ्योरीज़ में वो डिफरेंट टाइप्स बता देते हैं जो आपने पढ़ा होगा, मतलब पित्त के आधार पे होता है, किस में कौन सा ज़्यादा रस होता है, इस टाइप से आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी कुछ। एक होती है ट्रेड थ्योरी कि भाई गुण के आधार पे कौन सा गुण ज़्यादा है, इस टाइप से भी थ्योरीज होती हैं। तो मेजर ये दो थ्योरीज होती हैं, इनके ये दो थ्योरीज ही आप पढ़ लीजिए। इन्हीं दो थ्योरीज़ में मतलब एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरीज का क्लासिफिकेशन है। टाइप थ्योरीज़ में आपको दो तीन टाइप्स की थ्योरीज मिलेंगी, और ट्रेड थ्योरीज़ में भी आपको दो तीन टाइप्स की थ्योरीज मिलेंगी, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इंटेलिजेंस थ्योरी जितनी भी हैं वो आपको पढ़नी जानी है, जैसे गार्डनर ने दे रखी है, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, और बीने का जो आईक्यू है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे रोडसार्ट्स टेस्ट होता है एक, ठीक है, और बाकी और भी कई सारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं जो कि बच्चे के आईक्यू चेक करने के लिए या और बाकी चीज़ें चेक करने के लिए यूज़ होती हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं, ये थ्योरीज भी नहीं है ना ही ये कोई लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, आपको इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मोटिवेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक मतलब मोटिवेशन क्या होता है, रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को याद करते हैं, कैसे हम चीज़ों को भूल जाते हैं, अटेंशन एटीट्यूड्स क्या होता है, कैसे हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, थिंकिंग क्या होता है, कैसे बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब आपको इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पार्ट था पूरा का पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी का। अब मैं आपको अगर कहूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी आपको अगर प्रिपेयर करनी है तो कहाँ से करें, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप वर्किंग नहीं है, आप पूरा दिन पूरा डिवोट करते हैं ये टाइम अपना प्रिपरेशन में, तो एक अरुण कुमार की बुक आती है, एक बहुत ही बल्की बुक है, लगभग 700-800-900 पेज हैं उसमें।
अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, तो बेस्ट बुक है वो समझने के लिए कंसेप्ट को। लेकिन अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं और आपको बस रिवीजन करना है चीज़ों को, तो एक सरोहा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। सरोहा में चीज़ें शॉर्ट में हैं, आपका रिवीजन फटाफट हो सकता है। लेकिन आपको चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप अरुण कुमार की बुक पढ़ लीजिए साइकोलॉजी की, वो बहुत अच्छी बुक है। अगला है पेडागोजी। पेडागोजी क्या, कैसे पढ़े? पेडागोजी मतलब कि पढ़ाने का तरीका, कोई भी चीज़ हम उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहली चीज़ तो आपको पढ़नी है टीचिंग प्रिंसिपल्स, भाई कौन कौन से टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM, तीन तरह के होते हैं TLM, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, इस टाइप से TLMs पढ़ने हैं आपको। एग्ज़ामिनेशन और टेस्ट, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एग्ज़ामिनेशन के, टेस्ट पेपर हम कैसे सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने के भी अपने एक अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। सिलेबस और करिकुलम, ये आपको पता होना चाहिए, सिलेबस करिकुलम में डिफरेंस होता है, सिलेबस करिकुलम कैसे सेट किए जाते हैं, टॉपिक्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि इसको ICT भी बोल देते हैं, जैसे कि भाई आजकल तो ऑनलाइन जो क्लासेस हो चुकी हैं तो एक पार्ट है, मोबाइल लैपटॉप ये सब एक पार्ट बन चुका है आजकल, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गए, ठीक है, और स्पीकर वगैरह, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। अगला होता है प्रोग्रामड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग ये एक तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल भी होता है, स्किनर की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहीं से निकली है ये प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग में किसी भी चीज़ को हम डिवीज़न करके छोटे छोटे हिस्सों में करके पढ़ाते हैं प्रोग्राम लर्निंग में। इसके अलावा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ब्लूम टैक्सोनॉमी, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, 100% क्वेश्चन इसमें से आता ही आता ब्लूम टैक्सोनॉमी में से। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट जो पैटर्न होते हैं इवैल्यूएशन के, जिसे CC पैटर्न हुआ करता था वो अब नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए CC क्या होता है। ठीक है, और भी कई सारे प्रिंसिपल्स भी होते हैं इवैल्यूएशन के, असेसमेंट के, ये सब आपको पता होना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से डेफिनेट आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे डिसलेक्सिया से आ जाएंगे, डिसग्राफिया से आ जाएंगे, डिसकैलकुलिया से आ जाएंगे, ADHD, ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, आप उनको भी ज़रूर करके जाइएगा। तो अब हम देखिए पेडागोजी हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए पेडागोजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा TN कॉलेज है, उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं उनके, आप उनको प्रिफर कर सकते हैं। आपका पेडागोजी वाला पार्ट वहाँ से लगभग 95% वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा पेडागोजी, आप बस उन्हीं को पढ़ लीजिए और उन्हीं से आपका काम चल जाएगा पेडागोजी का। अब हम आते हैं एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन पॉलिसीज़ कैसी रही हैं, अब कैसी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मेनली क्या क्या आ जाती है एजुकेशन पॉलिसी में, आपकी NEP आ जाती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है, तो 1968, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 1986, ये आपको पता होना चाहिए। NEP 1992 पता होना चाहिए, इसके अलावा NAP 2020 जो कि अभी रीसेंट की, अभी NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चांसेस यहाँ पे 92-95% है कि NEP 2020 से क्वेश्चंस इस बार आने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है NEP 2020 लॉन्च हुए, आपको बेसिक थ्योरीज, प्रिंसिपल, पॉइंट्स, फैक्ट्स सब पता होने चाहिए आपको। ठीक है, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ एजुकेशन कमिटीज़ के बारे में, बहुत सारी कमिटीज़ हुई हैं लेकिन मेजर कमिटीज़ में बता देता हूँ, जैसे मैकॉले की कमेटी हो गई, हंटर कमीशन हो गया, हार्टो कमीशन कमेटी हो गई, और वुड्स डिस्पैच, इस पर क्वेश्चन आया था 16/17 का जो पेपर हुआ था उसमें, वो डिस्पैच के बारे में, राधाकृष्ण कमिटीज़, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, इशपाल कमिटीज़, इनको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, 100% क्वेश्चन इनमें से एक या दो क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं। इसके अलावा आप NCF 2005 ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन NCF 2005 से आते हैं हर साल, क्योंकि ये अभी तक का करिकुलम को लेकर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये NCF की फुल फॉर्म है,
तो करिकुलम को लेके ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है 2005 NCERT 2005, इसलिए इसी में से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो NCERT 2005 को आप अच्छे से करके जाइएगा, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिएगा। फिर RT 2009 पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने हैं, डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आने ही आने। क्यों? क्योंकि ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो कि लाया गया है। RT 2009 लाया गया था, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, आप सभी को पता भी है, फंडामेंटल राइट बन चुका है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ही देना है, और इसके अलावा 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो लगभग 11 साल होने वाले हैं इस चीज़ को, तो क्वेश्चन अभी भी इसमें से आता है। इसके अलावा 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रखा है। MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जरूर पढ़ लीजिएगा एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 21A, 28, ये सब आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं यहाँ डिटेल में इन आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन जो हमारा पर्पस है वो कुछ और है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एजुकेशनल बॉडीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जैसे NCERT सबसे नेशनल लेवल की सबसे बड़ी बॉडीज़ हैं, जो कि करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया बच्चों का, वो डिसाइड करती है। टेक्स्ट बुक मेनली इन्हीं के बने होते हैं, जो आप NCERT की टेक्स्ट बुक्स आते हैं ना, इन्हीं के होते हैं। CBSE जो कि सबसे बड़ी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है आज के टाइम में इंडिया में, UGC जो कि कॉलेजेस वगैरह को मॉनिटर करती है, उनको रिकॉग्निशन वगैरह देती है, तो ये सब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा कुछ टीचर एजुकेशन बॉडीज़ हैं जो कि मेन काम करती हैं टीचर के एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, इसको आप जरूर करके जाइएगा। जैसे SCERT का मेन काम यही है टीचर एजुकेशन, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, CIET, ठीक है, CABE, तो ये सब आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये कुछ एजुकेशनल बॉडीज़ हैं और टीचर एजुकेशन बॉडीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन हम कहाँ से प्रिपेयर करें ये वाला पार्ट, तो इसके लिए भी मैं TN के नोट्स आपको रिकमेंड करूँगा। TN के नोट्स से आपके लगभग 80% जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कवर हो जाएंगी, जैसे कि आपका एजुकेशन पॉलिसी जितने पढ़ सकते हैं वहाँ से, एजुकेशन कमिटीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, NCF तो उनके मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, लेकिन NCF आप अलग से यूट्यूब पर सर्च मार के वहाँ से देख सकते हैं, गूगल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप गूगल पे आप सर्च मारिए NCERT 2005 PDF, आपको ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए, वहाँ पे आपके बहुत सारी वीडियोस इससे मिल जाएंगी। RT 2009 आप पढ़ सकते हैं, TN के नोट्स में वहाँ समझा रखा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, MLL वो सब वहाँ समझा रखा है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, और एजुकेशनल बॉडीज़ और टीचर एजुकेशन बॉडीज़ भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि DSSB कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछता है, जैसे NCERT, CBSE, UGC, NCTE ये सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ नए नए एजुकेशनल बॉडीज़ वगैरह भी बन रहे हैं, ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा आपके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप किन किन टॉपिक्स को आप कर सकते हैं, खुद इन टॉपिक्स को कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है, आप इन्हीं को कर लेंगे तो आपका लगभग 70+ आपका स्कोरिंग हो जाएगा पार्ट बी में। और इन टॉपिक्स को आप ज़रूर लीजिए, आपके पास और समय है तो आप इनके अलावा भी और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।